सुल्ताना किचन। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपसे बताया था कि मैं इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ, ये फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसके लिए मैंने जो आम है, ये एक बड़ा आम लिया है, और आम आजकल बड़े मीठे आ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि फसल है, और फसल में ज़रूर मीठे ही आते हैं, बारिश भी हो गई है। और इसके अलावा मैंने ये आलू जो है सिर्फ एक डाला है, आलू की इतनी ज़्यादा फसल नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ एक डाला है आलू। और उसके अलावा जो केले हैं, ये केले जो है, ये तकरीबन 6 केले हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, ये 6 केले ही डाल दिए मैंने, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं साथ के साथ ना मिक्स भी करती जाऊँगी। बड़ी अच्छी हेल्दी है ये, और आपको तो पता है कि इसके जो कट किए ना मैंने, या इसकी क्वांटिटी बिल्कुल ऐसी रखी है जैसे जितनी होनी चाहिए। आप ये समझिए कि मैं बताती भी जा रही हूँ आपको कि इसकी क्या क्वांटिटी है। अच्छा, इसके अलावा ये चीकू है ना, ये बड़े बड़े चीकू मैंने लिए, और ये 4 लिए। आप ये देखिए, ये चीकू है, ये 4 चीकू लिए मैंने, ठीक है। ये थोड़ा सा डालती जा रही हूँ, साथ में मिक्स भी करती जा रही हूँ। ये आप देखिए, अच्छा, इसके अलावा जो है, ये मैंने सेब लिए हैं, ये 2 सेब लिए हैं मैंने दरमियानी साइज़ के, ये देखिए। और इसके आप ये देख लीजिए, इसका जो क्वांटिटी है उसका आप ख्याल रखें, कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो गई या बहुत कम हो गई, हर चीज़ इसमें मौजूद है और बिल्कुल सही तरीके की मौजूद है। ये हो गई, इतनी से उसमें आप देखिए कितनी ज़्यादा चाट बन गई है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा खुबानी जो है बड़ी मीठी आ रही है आजकल, और ये खुबानी जो है ना, ये मैंने तकरीबन 6 लिए, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, नॉर्मल थी, ये खुबानी डाल दी, और बड़ी मीठी है। सबसे ज़्यादा जिसमें मीठा है ना, आम और चीकू, 2 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त मीठी हैं। केले भी मीठे हैं तकरीबन, उसके बावजूद भी हम लोग जब चाट बनाते हैं ना, चाट बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें डालते हैं, मैं आपको बताती हूँ। इसमें थोड़ा ये नमक है, ये मैंने थोड़ा डाला, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, ये थोड़ा नमक डाल दिया ये। अच्छा, इसके अलावा ये काली मिर्च डाल दी है, बराए नाम डाली है, बहुत नहीं डालती मैं, सही है। अच्छा, इसके अलावा ये शक्कर जो है, ये 1 टेबल स्पून डाल दिए मैंने, ये शक्कर, ये थोड़ी से इसको ना मैं मिलाती जा रही हूँ साथ में। ये देख लिया आपने, मैंने नमक डाला, और मैंने काली मिर्च पिसी हुई डाली, और 1 टेबल स्पून जो है मैंने शक्कर डाली है, और बड़े टेस्टी ये बनेगा। और ये चाट मसाला है, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा डालूँगी क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ है, ये 1/2 टी स्पून है, ये 1/2 टी स्पून से मसाला लिए, ज़रा हाजमे के लिए भी अच्छा होता है ये मसाला, बड़ा ज़बरदस्त होता है चाट मसाला जो होता है, तो ये ज़बरदस्त इसकी चाट है। ये देखिए, ये मैंने तमाम चीज़ें कर दी। आपको पता है मेरा जो चैनल है मनोवर सुल्ताना किचन है, और मेरे जो वो है चैनल को आप जो न्यू लोग हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बटन को उसको बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई से नई मेरी वीडियो मिल सके। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट में मैं करूँगी वो जो मेन चीज़ है, नींबू जो है आपको पता है हाजमे के लिहाज से हर लिहाज से सही है। देखिए, नींबू डाल दिया, 2 मैंने नींबू लिए हैं, दो नींबू काफ़ी है इसके लिए, ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है नींबू की कि बेचारा फौरन खा ले बंदा। ये देखिए, ये हो गया ये सब, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसको चाट को मैं बिल्कुल मिक्स करूँगी ताकि जो मैंने बाद में सारी चीज़ें डाली ना, नींबू वगैरह, और मुझे जो है सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं और पसंद करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि फीडबैक भी देते हैं और कमेंट्स देते हैं, और कमेंट्स में अगर कोई आपको सही चीज़ ना लगे तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कहते हैं कि जब तक के मुझे ना पता चले कि मेरा चैनल के चीज़ें कैसी हैं, कैसी बनती है, तो मैं और अच्छे की तरफ नहीं जा सकती।
आप लोग अपना ख्याल कीजिएगा। और मैं इसको पहले थोड़ा सा इसको इसमें प्याले में भी निकाल देती हूँ थोड़ा खाने के लिए अलग से। ये मैंने निकाल लिया प्याले में, ये एक बंदे के खाने के लिए और ये बाकी इसमें है। अब आप देख लीजिएगा और आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें और आप मेरे चैनल को देखें और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और आखिर में आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी कि खुश रहें आप, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।